गया के अंबेडकर पार्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। जनता दल यू के प्रदेश महासचिव व पूर्व विधायक अभय कुशवाहा, प्रदेश महासचिव चंदन सिंह, पूर्व विधान पार्षद मनोरमा देवी, पूर्व जिला अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ मोहम्मद अरविंदर खां एवं कई नेता और कार्यकर्ता के कर कपलों द्वारा 71 पाउंड का केक काटा गया। मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की गई। विशिष्ट अतिथियों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए विकास कामों को जन जन तक पहुंचाने का भी सभी साथियों से अनुरोध किया गया। विकास कामों को विस्तार पूर्वक सभी वक्ताओं ने बताया। 71वां जन्मोत्सव है माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। इस अवसर पर हम गया जनता दल यू के जितने भी परिवार हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के प्रांगण में हम लोग विकास दिवस के रूप में आज मनाने का काम कर रहे हैं और यही हम लोग कामना कर रहे हैं भगवान से कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी को नई ऊर्जा और प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे कि जिस तरह से वो जिस बिहार को शून्य से शिखर तक ले जाने का काम किए हैं, हमारे बिहार को देश में नंबर 1 पंक्ति में खड़ा करने का निश्चित तौर पर भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करे। हम लोग के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि हमारे जो गद्दी पर बैठे हुए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार, उनका जन्मदिन है और हम लोग उनका जन्मदिन विकास के रूप में मना रहे हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं लोगों को संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी का जो काम है, जो उनका काज है, जो उनका सिद्धांत है और जो विकास बिहार को जो आगे ले जाने का उनका दृढ़ जो निश्चय है, उनका राह पर चलना चाहिए क्योंकि आने वाला जो हमारा पीढ़ी है तभी अच्छा होगा। जब अभी ठीक होगा तो आने वाला पीढ़ी ही अच्छा होगा। इसलिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत सबको आने जितने लोग आए सबको स्वागत। पत्रकार भाई आप लोगों को भी मैं अपने तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ।